लगातार हार से बौखलाए महेंद्र सिंह धोनी ने एसआरएच के खिलाफ बदल दी सीएसके की प्लेइंग 11। दो बड़े दिग्गज खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 से छुट्टी कराई। ये 12 लड़ेंगे एसआरएच के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई। जी हां, सबसे पहले प्लेइंग 11 पर चर्चा करने से पहले, ये सोचने समझने से पहले कि एसआरएच के खिलाफ सीएसके की क्या प्लेइंग 12 होगी, कौन कौन से खिलाड़ियों की छटैया होगी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सीएसके की प्लेइंग 12 में आप कौन से खिलाड़ियों को कमजोर करी पा रहे हैं, कौन से खिलाड़ियों को अब बाहर बैठना चाहिए और किन खिलाड़ियों को इस प्लेइंग 12 में आना चाहिए। यानी कि आप पहले उन खिलाड़ियों का नाम कमेंट सेक्शन में दाग दीजिएगा जो बाहर बैठने चाहिए और किन खिलाड़ियों को अंदर आना चाहिए, और अपना प्लेइंग 12 भी हमें जरूर बताइए। अब आते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सीएसके टीम का सूरते हाल आईपीएल 2024 में क्या है। देखिए भैया, सीएसके टीम लूजिंग मोमेंटम पर सवार है, पिछले दो मुकाबले हार गई है। उससे भी बड़ी बात और खास बात, जो पिछला मुकाबला वो हारे थे लखनऊ के खिलाफ, वो अपने गढ़ चेपॉक में हारे थे। यानी कि समस्याएं बहुत दिख रही हैं। पहले तो जो महेंद्र सिंह धोनी का ऑरा है वो शायद भारी पड़ता हुआ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर दिख रहा है। सब कुछ धोनी के इर्द गिर्द चल रही है और टीम ये सोचना ये समझना भूल गई है कि उनको प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी की नहीं जरूरत है, बल्कि मुकाबले जीतने की जरूरत है। क्योंकि जो पॉइंट टेबल है वो ये बता रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी वाली सीएसके इस वक्त छठे पायदान पर, कुछ और मुकाबलों में हार यानी वो प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पे हो जाएंगे। तो ये जो मुकाबला है एसआरएच के खिलाफ, वो सीएसके टीम को जीतना हर हाल में जरूरी होगा, क्योंकि भैया ये अपने गढ़ पर खेल रहे हैं और यही अभी तक सीएसके टीम के जीत का सूत्र रहा है कि उन्होंने चेपाक को अपना गढ़ बनाया हुआ है। यहां पर वो जल्दी हारते नहीं है, लेकिन अगर एसआरएच ने यहां मात दिया तो फिर 2024 का जो डगर है प्लेऑफ का, पनघट का, बहुत कठिन हो जाएगा। तो यहां पर कोई गलती सीएसके टीम नहीं करना चाहेगी। अपने कमजोरियों को, अपने जो मजबूत 12 खिलाड़ी हैं उनको उतारने का प्रयास करेगी, क्योंकि एसआरएच एक ऐसी टीम है जिसको मात देना बहुत मुश्किल लग रहा है आईपीएल 2024 में। इन्होंने 266 बनाया, इन्होंने 276 बनाया है, इन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, इनके गेंदबाज चुस्त तंदुरुस्त दिख रहे हैं। तो एक मजबूत टीम से टक्कर है, जिस कारण से सीएसके अपने सबसे मजबूत प्लेइंग 12 का यहां पर निर्माण करने वाली, उनको खिलाने वाली। और अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने, यही समझने और यही परखने की कोशिश करने वाले हैं कि एसआरएच के खिलाफ सीएसके की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 क्या हो सकती है, कौन से दो खिलाड़ी हैं जो दिग्गज हैं जिनकी छटैया हो सकती है, और उनकी जगह कौन से खिलाड़ी इस टीम में आएंगे, और वो कौन से 12 खिलाड़ी होंगे जो एसआरएच को चेपॉक स्टेडियम में मात देने का मादा रखते हैं। लेकिन इन बातों पर चर्चा करने से पहले, सीएसके की प्लेइंग 12 जानने से पहले, आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स सब पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट, जैसा कि हमने पहले ही कहा, अपना दाग दीजिएगा। अब आते हैं, सबसे पहले स्क्वाड ब्रेकअप देख लेते हैं। यही स्क्वाड ब्रेकअप से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से अवेलेबल खिलाड़ी हैं जिनको अभी तक सीएसके टीम ने यूज नहीं किया है, लेकिन आईपीएल 2023 में उन्होंने छाप छोड़ा था, उन्होंने आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जिताने में सीएसके को बहुत मदद किया था। अब उनकी दरकार आ गई है, जरूरत आ गई है, अब दिग्गज नामों को बाहर करना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं कि किन खिलाड़ियों की देखिए छटैया होनी चाहिए। तो वहां पर अजिंक्य रहाणे पहले नाम मेरे जहन में आते हैं, और अजिंक्य रहाणे एक ऐसे नाम है जिनको अगर आपने देखा होगा, अगर आपने जाना होगा, अगर आपने समझा होगा, तो वो चेपॉक में जल्दी नहीं चलते हैं। चेपॉक एक ऐसी पिच है जहां पर शुरू में थोड़ा सा स्विंग होता है, चेपॉक ऐसी पिच है जो 6 ओवरों के बाद स्पिनर्स फ्रेंडली हो जाता है, थोड़ा सा स्लगिश पिच हो जाती है। हालांकि इस संस्करण में देखने को नहीं मिला, लेकिन मिलेगा। तो वहां पर रहाणे बहुत अपना 100% नहीं दे पाते हैं। वहां पर वो रहाणे जो हमें वानखेड़े में दिखते हैं, वो रहाणे जो हमें बेंगलोर में दिखते हैं, यहां पर नहीं दिख पाते हैं। तो इनकी अब छटैया होनी चाहिए। पिछले दो मुकाबलों में रन भी नहीं बना है, या यूके आईपीएल 2024 में भी उनका बल्ला उस तरीके से नहीं बोला है जिस तरीके से आईपीएल 2023 में बोला है। कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा अपने प्लेइंग 11 में, थोड़ा सा ऊपर नीचे बल्लेबाजी पोजीशन में बदलाव करना होगा, ताकि वो सीएसके की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 उतर सके जो हम जानते हैं, जिन्होंने चैंपियन बनाया है सीएसके को आईपीएल 2023 नहीं, सिर्फ आईपीएल 2023 नहीं, बाकी पिछले 4 संस्करण की बात करें या 4 बार और आईपीएल ट्रॉफी जीता है। उसके अलावा रहाणे की ये छुट्टी होनी चाहिए।
वहीं दूसरे खिलाड़ी हैं तुषार देशपांडे, इनकी भी भूमिका मुझे इस टीम में नहीं समझ में आती। हालांकि धोनी इनको बहुत बैक कर रहे हैं, धोनी ने इनको बहुत मौका दिया हुआ है, लेकिन बहुत कॉस्टली ये साबित होते हैं। रन खर्च करते हुए नजर आते हैं, खूब सारे रन लुटाते हुए नजर आते हैं और ये वीक लिंक बन चुके हैं सीएसके टीम की। इनका ये भी समझ में नहीं आता है कि डेथ ओवर्स में करेंगे कि नहीं करेंगे। मिडिल ओवर्स में आते हैं तो इनके खिलाफ बल्लेबाज फ्रीली होकर खेलता है और इनके पास बहुत कुछ खास गेंदबाजी में दिखता भी नहीं। खिलाया क्यों जाता है ये सोच से परे है। हालांकि सीएसके ने बहुत इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट अब तक कर दिया है, बहुत कुछ खर्च किया है, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी अब वीक लिंक बन चुके हैं, अब इनकी छटैया होनी चाहिए। वहीं अगर हम इनके रिप्लेसमेंट की बात करें तो वो हम बताएंगे कौन होने वाले हैं, लेकिन अब तेज गेंदबाजी विभाग पर नजर डालते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे इनके लिए। तो देखिए भैया, वहां पर आपको नजर आएंगे सबसे पहले खिलाड़ी दीपक चहर, वहीं दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान होंगे, पार्थी राणा होंगे तीसरे, और शार्दुल ठाकुर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे जो कि खेलते हुए दिखेंगे, तिक्षणा टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। तो ये हमारे पेसर्स होंगे जिसमें किसकी छटैया होगी, तुषार देशपांडे खेलना मुश्किल, उनकी जगह कौन खेलेगा ये हम सोचेंगे, ये हम आपको बताएंगे। अब आते हैं बल्लेबाजी विभाग में कि भैया रहाड़े नहीं तो कौन। देखिए डेरी मिसेल से आप ओपन करा रहे हैं तो अभी एक्सटेंडेड रन दीजिए, डेरी मिसेल आपके लिए अच्छा खासा कार्य कर सकते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी होनहार हैं, इनसे ओपन कराइए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, ये अच्छा विकल्प है। नंबर तीन पर आप रहाड़े को खिला रहे हैं तो भेजिए, अब बाहर कर रहे हैं तो आपको मैं बताता हूं नंबर तीन पर मोइन अली। आपको याद होगा कि जब भी सीएसके जीता हुआ है या सीएसके ने इतना इम्पैक्टफुल प्रदर्शन किया हुआ है तो मोइन अली ने नंबर तीन पर लगातार बल्लेबाजी की है। मोइन अली अक्सर सीएसके के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए आए हैं, वो लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन बनाते हुए नजर आए हैं, जिस कारण अब इस खिलाड़ी की जरूरत आ चुकी है कि नंबर तीन पर आए, ताबड़तोड़ अंदाज में खेले, जोरदार हिटिंग करे और विपक्षी टीम को दबाव में डाले और एसआरएच के खिलाफ तो इस खिलाड़ी की नंबर तीन पर बहुत ही आवश्यकता है। वहीं चार नंबर की बात करें तो वहां पर अब बहुत छेड़खानी हो गई बैटिंग पोजीशन के साथ, जडेजा उतने स्ट्राइकिंग एबिलिटी में नहीं दिख रहे हैं, शिवम दुबे को आप लेट भेजकर अपना घाटा करा रहे हो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। जितनी ज्यादा गेंदे शिवम दुबे खेलेंगे उतना सीएसके के लिए फायदेमंद सौदा है, और शिवम दुबे ने तो इस बार ये भी दिखाया कि वो तेज गेंदबाजों को भी खेल सकते हैं। तो नंबर चार पर हर हाल में शिवम दुबे चाहिए, अगर नहीं ला रहे हैं तो आप अपना घाटा कर रहे हैं। फिर पांच की बात करें तो आपको भी पता है कि वहां पर नंबर पांच पर रविंद्र जडेजा आ सकते हैं, रविंद्र जडेजा पांच पर भी खेल सकते हैं, रविंद्र जडेजा अकॉर्डिंग टू द बैटिंग सिचुएशन बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन पांच पर ये अच्छे स्लॉट हैं, पांच पर इनको खेलना चाहिए। वहीं छह की बात करें तो फिर महेंद्र सिंह धोनी और रहाड़े की जगह आप सातवें नंबर पर समीर रिजवी को खिला सकते हो। समीर रिजवी एक ऐसे प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लास्ट में आकर हिटिंग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे। ये रहाड़े के बाहर जाने से क्या होगा कि धोनी का थोड़ा सा ऊपर जाएगा बैटिंग ऑर्डर, शिवम दुबे बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आएंगे, मोइन अली बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आएंगे, उससे भी बड़ी बात और खास बात कि रविंद्र जडेजा भी अपने उपयुक्त स्थान पर आएंगे और जरूरत पड़ी, दरकार पड़ी तो समीर रिजवी हिटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सौदा होगा रहाड़े को बाहर करना। अब आते हैं कि भैया तुषार देशपांडे बाहर गए हैं तो उनकी जगह खेलेगा कौन। देखिए तुषार देशपांडे की जगह एक बहुत ही होनहार भारतीय युवा गेंदबाज बेंच पर बैठा हुआ है जिसने पिछले संस्करण में छाप छोड़ी थी, स्लिंगिया एक्शन इसका भी है, राजवर्धन हंगारगेकर इसका नाम है, युवा प्रतिभा है, इसको खिलाना चाहिए। पिछले संस्करण में बैक किया था धोनी ने, छाप छोड़ी थी, हालांकि पिछले में उतना अनुभव नहीं था लेकिन अब बहुत अनुभव पा गए होंगे हंगारगेकर। ये आपके लिए डेथ ओवर्स में फेंक सकते हैं, मिडिल ओवर्स में फेंक सकते हैं, इकोनॉमी रेटिंग का अच्छा रहता है, अब इनको ट्राई किया जा सकता है। मौका आ चुका है कि शार्दुल ठाकुर या तुषार देशपांडे को बाहर करिए और राजवर्धन हंगारगेकर को खिलाइए। शार्दुल ठाकुर आपको बल्लेबाजी विकल्प दे सकते हैं तो हंगारगेकर आपको के लिए उपयुक्त विकल्प होंगे तुषार देशपांडे के। तो ये 12 लड़ाके हैं जो कि खेलने चाहिए महेंद्र सिंह धोनी वाली सीएसके के लिए, और यहाँ पर कुछ बल्लेबाजी ऑर्डर में ऐसी सीएसके टीम की प्लेइंग 12 दिख सकती है। गायकवाड़ मिसेल ओपन करेंगे, मोइन अली नंबर तीन पर, रविंद्र जडेजा चार, शिवम दुबे पांच, तो इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा, शिवम दुबे चार, जडेजा पांच, धोनी छह, समीर रिजवी सात, दीपक चार आठ, शार्दुल नौ, दस रहमान, ग्यारह पार्थी राणा और 12 पे राजवर्धन हंगारगेकर। ये है प्लेइंग 12 जो कि सबसे मजबूत है, जो कि सारच को दमखम रखती है हराने का। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सीएसके कौन सा प्लेइंग 12 खिलाती है।
कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर बताइएगा कि कैसी प्लेइंग 12 लगी। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।